Radio Udaan. Flight of life. कानों में एक दिल की बात सुनावानी, तैनू हसदा वेख के जगनू मैं भुल जावानी, दस दे कितना गल तेनू समझावानी, अब तू छड़ दे उन्नू जो है तेरे ना, नखरे क्यों कर दिया मैनू जचदा नहीं, कितना सवाल कर दिया ना मैं सुनता नहीं, होर दस कितनी तारीफ चाहिदी है तेनू, करे ब्लो बाकी करे शाइन तू करे ग्लो, जीन्स डाली डाली तूने जो वो तेरी बूटी पे टाइट बेबी जैसे मेरा फ्लो, बेबी गॉड डैम तू है 100 बाकी एवरेज, तू है सैवेज बेबी तू है रॉ, मुझे तेरी बारी की हर वो चीज लगे सेक्स जो बाकियों को लगती है फ्लॉ, बेबी लेट्स गो राइट नाउ, देखो मुझे वेट ना इतनी कराओ, लक तेरा लीन बात तेरी मीन, टाइट पे है तो क्यों खाती भाव, और दस कितनी तारीफ चाहिदी है तेनू, 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 क्यों समझे ना बातें मेरी तो क्यों है लड़दी, सूरत है सोनी सीरत तेरी बेवफा, समझे ना इशारे हकीनी वारी मैं कहा, तू आज चल मेरे ना, नखरे क्यों कर दिया मैनू जचदा नहीं, कितना सवाल कर दिया ना मैं सुनता नहीं, और दस कितनी तारीफ चाहिदी है तेनू, 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 रेडियो उड़ान हेलो नमस्कार, रेडियो उड़ान पर एक बार फिर से आ गया हूँ पूरे एक हफ्ते के बाद आपसे बातचीत करने, साठ गांठ करने, क्योंकि 8 बज चुके हैं और शुरू हो चुका है एंटरटेनमेंट हाउस। तो भैया सबसे बड़ी बात तो ये कि एक हफ्ते में क्या हुआ और दूसरी बात ये कि एक हफ्ते में आपने क्या किया मेरा शो सुनने के लिए, कैसे कैसे पापड़ बेले, कैसे कैसे इंतजार किया। तो कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है, कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है
आज नहीं आया, अभी नहीं आया तो क्या हुआ, थोड़ी सी देर में ख्याल आएगा। सुनते रहिए रेडियो उड़ान पर, मेरे यानी दिल खुश दीपक के साथ जबरदस्त ट्रैक फ्रॉम द मूवी धड़क, अ फ्लाइट ऑफ लाइफ। माय सन इज 23 इयर्स ओल्ड, ही जस्ट ग्रेजुएटेड। पता है आपको, ही हैज नेवर रियली एंजॉयड हिज स्कूल पिकनिक्स और फैमिली आउटिंग्स। हम साथ तो चलते हैं लेकिन ही हैज नेवर एक्सपीरियंस्ड अ रेगुलर हॉलिडे। द थिंग्स यू एंड मी डू सी, जैसे प्लेइंग इन द सी, एक्सप्लोरिंग न्यू प्लेसेस, इट्स ऑलवेज बीन अ हाफ एक्सपीरियंस फॉर हिम। बस गए और आ गए, कुछ खास नहीं किया। कई बार तो मैं बहुत डरी हुई भी रहती हूं कि विल देयर बी एनीबॉडी टू हेल्प हिम एट एवरी स्टेज इन हिज लाइफ। इट्स टाइम फॉर अ चेंज। आई नॉमिनेटेड माई सन फॉर एनेबल ट्रैवल 70 ट्रिप्स टू फ्रीडम। अब वो अपनी पहली रियल हॉलिडे पर जाएगा एंड मे बी ही विल रीलिव ऑल दोज मेमोरीज ऑफ हिज लॉस्ट हॉलीडेज। Nominate your disabled friend or your disabled family member for Enable Travel 70 Trips to Freedom. Send them on the best holiday of their life. मने एक पप्पी चाहिए। पप्पी? मतलब कुत्ते का छोटा बच्चा? मरहमीसा चांद है तू, दिल जला सा मैं अंधेरा, एक तुझे के लिए है नींद मेरी, ख्वाब तेरा। तू घटा है फुहार की, मैं घड़ी इंतजार की, अपना मिलना लिखा इसी बरस है ना, जो मेरी मंजिलों को जाती है। तेरे नाम की कोई सड़क है ना, जो मेरे दिल को दिल बनाती है। तेरे नाम की कोई धड़क है ना, Radio Udaan, a flight of life.
हेलो नमस्कार, रेडियो उड़ान पर मेरा नाम है दिलखुश दीपक, आपके साथ हूँ और शो चल रहा है एंटरटेनमेंट हाउस और एक छोटा सा प्यारा सा नन्हा सा फैंटास्टिक सा गुदगुदाने वाला मस्करी करने वाला आपके पेट में दर्द करने वाला भाई चुटकुला सुनाते हैं। चुटकुला चुटकुला जिसको हम प्यार से चुटकुला भी कह सकते हैं। एक बार क्या हुआ, एक आदमी की जो बीवी थी मायके चली गई है। अब उसको चाय पीना हुआ भैया, नाम था उनका बिल्लू। अब उनको जब चाय पीना हुआ तो उन्होंने चाय बनानी कैसी है ये शुरुआत की। अब उन्होंने फेसबुक पर सेल्फी डाली और लोगों से पूछा कुकर के साथ कुकर तो नहीं समझ रहे हैं, कुकर के साथ सेल्फी डाली और लोगों से पूछा कि ये बताओ कुकर में कितनी सीटी लगाऊं, मुझे चाय बनानी है, और पोस्ट कर दिया। फिर भैया जो कमेंट आए हैं क्या बताएं। प्रमोद नाम के व्यक्ति ने लिखा, कुकर में ऑलरेडी एक सीटी लगी है और कितनी लगाएगा बेवकूफ। गोपाल ने कहा, बेवकूफ चाय कुकर में थोड़ी ना बनती है, कढ़ाई चढ़ाओ। मुकेश ने कहा, पहले 2 घंटे चाय पत्ती भिगो लो, 2-3 सीटी में काम चल जाएगा। मनोज तो और अच्छे से बोले, भैया खिड़की पर जाके 1 सीटी बजाओ, पड़ोसन चाय दे जाएगी। अब भैया लास्ट बट लीस्ट पुनीत कुमार की बारी थी। अबे बीबी मायके गई है तो चाय क्यों पी रहा है गधे, बेवकूफ बियर पी और मौज कर, घर पर हमें भी बुला ले, सीटी हम बजा देंगे। सुनते रहिए रेडियो उड़ान, मेरे यानी दिलखुश दीपक के साथ। कैसे कैसे लोग हैं भैया, अ फ्लाइट ऑफ लाइफ। मित्र ज्योति, दृष्टि बाधितों का विश्वसनीय गैर सरकारी संस्थान। मेरा नाम संजना लाल है, मैं चेन्नई की रहने वाली हूँ। मैं मित्र ज्योति के टॉकिंग बुक लाइब्रेरी की सदस्य हूँ। इस पुस्तकालय के ऑडियो सीडियो के बिना मेरे लिए हायर स्टडीज करना बहुत मुश्किल होता। मेरा नाम वरुण है, मैं मैसूर का रहने वाला हूँ। मैंने अपना कंप्यूटर ट्रेनिंग यहाँ किया है। बहुत सारी कंपनियां मित्र ज्योति के साथ मिलकर ट्रेनिंग वर्कशॉप आयोजित कर रही है और हमें हायर भी कर रही है। इससे हमें औरों की तरह काम करने का विश्वास मिलता है। मित्र ज्योति, जो दृष्टिबाधितों को शिक्षण प्रशिक्षण, स्वतंत्र जीवन, कौशल प्रशिक्षण एवं रोजगार के अवसर उपलब्ध कराती है। आप मित्र ज्योति से संपर्क कर सकते हैं। हमारा फोन नंबर है 08022587623, 22587625। वेबसाइट www.mitrajyoti.org। ईमेल आईडी admin.office@mitrajyoti.org। धन्यवाद।
से ये संदेश सुन रहे हैं रेडियो उड़ान और मेरा नाम है दिलखुश दीपक। शो चल रहा है एंटरटेनमेंट हाउस और एक एंटरटेनमेंट की बात और करते हैं। दुनिया में सबसे ज्यादा क्या खाई जाती है? दुनिया की छोड़ दो, अपने देश की बताओ, अपने देश में सबसे ज्यादा क्या खाया जाता है? सोचो सोचो सोचो। कसम, कसम खाने वाले लोग बहुत मिलेंगे आपको, और कसम खाने वालों में भी कई तरह के लोग होते हैं जो कई तरह की कसमें खाते हैं। एक तो वो होते हैं जो माँ की कसम खाते हैं, ठीक है, माँ कसम, माँ कसम मैंने ऐसा नहीं किया। दूसरे वो होते हैं जो भगवान की कसम खाते हैं, और तीसरे आते हैं वो जो सिगरेट हाथ में ले करके कहते हैं, भाई अग्नि हाथ में ले रखी है, झूठ नहीं बोलूंगा, कसम से बता रहा हूँ। अच्छा, सिगरेट से याद आया, एक आदमी अपने बेटे से कहता है, बेटे तुम सिगरेट पीते हो? बेटे ने कहा, नहीं पापा, मैंने तो आज तक छुआ तक नहीं है। पापा ने कहा, ये लो 10 रुपए, एक सिगरेट लेके आओ। तो बेटा कहता है, 2 रुपए और दो, 12 रुपए की मिलती है। फिर क्या, दे चप्पल दे चप्पल दे चप्पल, बाप को उल्लू बनाता है। बाप आखिर बाप ही होता है। फिलहाल सुनते रहिए रेडियो उड़ान मेरे यानी दिलखुश दीपक के साथ, अ फ्लाइट ऑफ लाइफ। मैं आनंद आठलेकर हूँ, नेशनल एसोसिएशन फॉर द ब्लाइंड इंडिया का माननीय सेक्रेटरी हूँ। मैं आप सबका उड़ान
चैनल पे स्वागत करता हूँ। नैब इंडिया ये भारत में सबसे पुरानी संस्था है। यहाँ दृष्टिहीनों के लिए एजुकेशन, एम्प्लॉयमेंट, ये नौकरी अपनी काबिलियत की वजह से मिली है, और पुनर्वसन की सेवा दी जाती है। नैब इंडिया पर संपर्क करने के लिए आप हमें ईमेल करें hsg@nabindia.info। आप कॉल कर सकते हैं 02266838637। Thank you.
हेलो एंड वेरी गुड इवनिंग, मेरा नाम है दिलखुश दीपक, शो चल रहा है एंटरटेनमेंट हाउस और आप सुन रहे हैं रेडियो उड़ान। लेकिन एक बात नहीं समझ में आती है कि कुछ लोग इतने पतले होते हैं, ये मुझ पे भी लागू हो सकता है, कुछ लोग इतने ज्यादा पतले होते हैं, इतने ज्यादा पतले होते हैं कि मच्छर बेचारा खुद सोचता है कि खून लेकर जाएं कि भैया देकर हैं। अधिकांशतः टकले लोग अधिक प्रसन्न रहते हैं, अब पूछिए क्यों? क्योंकि भैया उनकी मांग ही नहीं होती है। हाँ, मुझे एटीएम से कुछ पैसे चाहने थे तो मैंने गार्ड से कहा कि मैं एटीएम से कुछ पैसे निकाल लूं। गार्ड ने कहा हाँ हाँ बिल्कुल निकाल लो। यार गार्ड ने मुझे भगा दिया वहाँ से। अब सोचो क्यों? मैंने कहा भाई पेचकस आरी तो दे दो, हथौड़ी वगैरह तो दे दो पैसे निकालने के लिए। फिलहाल ये सब बातें हो गई, अभी थोड़ी सी देर में लौट के आते हैं और बताते हैं कुछ इसी तरह की हैं अतरंगी से तरंगी बातें। सुनते रहिए रेडियो उड़ान, मेरे यानी दिलखुश दीपक के साथ अ फ्लाइट ऑफ लाइफ। लो जी भैया आ गए फिर से एक बार शो एंटरटेनमेंट हाउस लेकर के। आप सुन रहे हैं रेडियो उड़ान और गाना कैसा लगा ये बताइए पहले। अरे बताइए, दिलखुश हो गया ना पक्का। नाम है हमारा दिलखुश दीपक और जहां हम वहाँ दिल तो खुश हो ही जाएगा। शो चल रहा है एंटरटेनमेंट हाउस और आप सुन रहे हैं रेडियो उड़ान। जो पुराना जमाना होता था ना, पुराने जमाने की बहुत सारी ऐसी यादें हैं जो बहुत ही मजेदार हैं। अब जैसे दो औरतें आपस में बैठी थी, बातें कर रही थी। एक औरत के पति का नाम था धनिया। अब पुराने जमाने में क्या था ना कि पत्नी जो होती थी वो अपने पति का नाम नहीं लेती थी। तो दूसरी औरत ने उससे पूछा, ये बताओ आज खाना में क्या बनाया है? तो उसने कहा, दाल भात सब्जी और गुड्डू के पापा की चटनी। मतलब समझे, यानी कि धनिया की चटनी। अरे वाह, हंसी आई हो तो ठीक है, नहीं तो बगल वाले के कान में उंगली करके हंस सकते हो। फिलहाल आने वाला गाना भी आपको हंसा सकता है। सुनते रहिए रेडियो उड़ान, मेरे यानी दिलखुश दीपक के साथ अ फ्लाइट ऑफ लाइफ। बाय बाय। कहां, कहीं नहीं, लौट के आ रहे हैं। अगर चोट आसानी से लगे तो मदद भी आसानी से मिलनी चाहिए, इसलिए अब से सावलॉन की बोतल आती है नेत्रहीन सहायक ब्रेल मार्किंग के साथ। छुपा लूंगी।
जो मेरे है क्या काम बहारों से ये चमकीले नैना क्या काम सितारों से फिर से स्वागत है शो एंटरटेनमेंट हाउस में। मेरा नाम है दिलखुश दीपक। और एक बात नहीं समझ में आती है भैया, आजकल के जितने भी पेरेंट्स हैं ना, वो ये सोचते हैं कि भैया हमारा लड़का जो है डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, इसके सिवा कुछ ना बने, आईएएस अधिकारी बने, पीसीएस अधिकारी बने, इसके सिवा तो कुछ सोचते ही नहीं है। मुझे ये नहीं समझ में आ रहा है भैया कि अगर सभी बच्चे डॉक्टर या इंजीनियर बन जाएंगे तो कल के ये इतने ज्यादा डॉक्टर हो जाएंगे, पेशेंट कहां से आएंगे उतने, हैं? कहीं ऐसा ना हो कि गलियों में घूमना पड़े डॉक्टर वाले, डॉक्टर बोलो, डॉक्टर बोलो, डॉक्टर बोलो, डॉक्टर, अरे खून निकलवा लो, ब्लड चढ़वा लो, अल्सर पल्सर सब कुछ बदलवा लो, किडनी निकलवा लो, बाल चढ़वा लो, डॉक्टर वाले, इस तरह होगा? अच्छा नहीं होगा, पेशेंट तो मिल ही जाएंगे। फिलहाल सुनते रहिए रेडियो उड़ान, मेरे यानी दिलखुश दीपक के साथ अ फ्लाइट ऑफ लाइफ। समर्थन ट्रस्ट फॉर द डिसेबल, वॉकिंग बाइक एंड फॉर पर्सन विद डिसेबिलिटीज, एम्पावर थाउजेंड्स ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटीज सिंस 1997, क्रिएटिंग न्यू अपॉर्चुनिटीज फॉर एम्प्लॉयमेंट, एजुकेशन एंड स्किल डेवलपमेंट थ्रू द ट्रेनिंग कोर्सेज। समर्थन ट्रस्ट फॉर द डिसेबल्ड, बैकबोन ऑफ इंडियन ब्लाइंड क्रिकेट टीम, लव्स नेचर एंड प्रिजर्विंग इट। Working in 6 states with more than 500 employees, making persons with disability financially and economically stable. For more info, log on to www.samarthanam.org or you can send mail to support@samarthanam.org or info@samarthanam.org. Samarthanam Trust for the Disabled dreams and works towards providing an inclusive society to persons with disability. सुरूर है असर तेरा ये जरूर है, तेरी नजर का कसूर है, आपस में तू क्यों दूर है, ये इश्क का जो फितूर है, नशे में दिल तेरे चूर है। Let's go.
नमस्कार, रेडियो उड़ान पर एक बार फिर से आपका स्वागत है शो एंटरटेनमेंट हाउस में। और मेरा नाम है दिलखुश दीपक। और हमारे दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं। एक तो वो जो काम में बहुत ज्यादा बिजी रहते हैं, बहुत ज्यादा मेहनत करते हैं, बहुत ज्यादा काम करते हैं और बहुत ज्यादा टेंशन लिए रहते हैं अपनी जॉब में, अपने ड्यूटी में, अपने बिजनेस में, मतलब कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं बिजी रहते हैं। और दुनिया में जो दूसरे तरह के लोग होते हैं ना भैया, वो बड़े अजीब होते हैं। कहीं जेसीबी भी लग जाए ना तो 30-40 आदमी तो वहां इकट्ठे हो जाते हैं और कहेंगे जेसीबी गड्ढा खोद रही है, नाली से कचरा निकाल रही है, ये है बेरोजगारी का आलम। मतलब अगर हमारे गांव में कहीं पर भी जेसीबी लग जाए ना तो आधा गांव तो देखने वहीं चला जाता है। और मोदी जी हाई स्पीड ट्रेन चला रहे हैं। तो भैया जहां इतना सारा समय लोगों के पास है जेसीबी देखने का, वहां हाई स्पीड ट्रेनों का क्या काम है? और क्या जरूरी है कि हम ट्रेनों में, मतलब सुनते रहिए रेडियो उड़ान मेरे यानी दिलखुश दीपक के साथ अ फ्लाइट ऑफ लाइफ। काश मेरे पास कोई ऐसा ब्रेल डिस्प्ले होता जिसे मैं अपने कंप्यूटर से भी कनेक्ट कर पाती, फोन से भी कनेक्ट कर पाती, आराम से अपने कॉलेज में नोट्स ले पाती और जब मन करता ई बुक्स भी ब्रेल में पढ़ पाती। तो प्रॉब्लम क्या है, खरीद लो ना। खरीद लूं? जानती भी हो ऐसा ब्रेल डिस्प्ले कितना महंगा आता है? अरे तुम्हें नहीं पता, सक्षम अब हमारे लिए लेकर आया है इंडिया का पहला पोर्टेबल लाइट वेट ब्रेल डिस्प्ले ब्रेल मी, जिसमें मार्केट में मिलने वाले बाकी ब्रेल डिस्प्ले के फीचर्स तो है ही, साथ साथ ये उन सभी ब्रेल डिस्प्ले से 10 times ज्यादा सस्ता है। क्या बात कर रही हो, 10 times ज्यादा सस्ता? पर क्या ये सिर्फ इंग्लिश लैंग्वेज को ही सपोर्ट करता है? नहीं नहीं, सिर्फ इंग्लिश लैंग्वेज को नहीं, करंटली ये मराठी, हिंदी, गुजराती और मलयालम में भी अवेलेबल है और जल्दी इसमें बाकी के रीजनल लैंग्वेजेस को भी ऐड कर दिया जाएगा। और तुम्हें ये जानकर और भी खुशी होगी कि इसकी बैटरी कम से कम 12 से 15 घंटे आराम से चलती है। वाओ, फिर तो ये ब्रेल डिस्प्ले मैं जल्दी खरीद लूंगी। इसे खरीदने के लिए हमें क्या करना होगा? इसे खरीदने के लिए या फिर और जानकारी पाने के लिए आप कॉल कर सकते हैं 011-424-11-015 पर, या फिर विजिट कर सकते हैं सक्षम की वेबसाइट जो कि है www.saksham.org। मैं तो अभी कॉल करने जा रही हूँ और आप भी ले सकते हैं अपना पोर्टेबल ब्रेल डिस्प्ले ब्रेल मी। पिघला दे बना उनकी शमशीर, कर हर मैदान फतेह बंदिया, कर हर मैदान परिंदा है तू, दिखला दे जिंदा है तू, बाकी है तुझ में हौसला, तेरी जुनू की आगे अंबर पनाही मांगे, करता दे तू जो फैसला, टूटी तकदीरे तो क्या, टूटी शमशीरे तो क्या, टूटी शमशीरों से ही जुदा, भीड़ से जुदा, भीड़ से जुदा।
कामयाब होगी जब तेरी ये जिद आग होगी फूक देगी ना उम्मीदियां ना उम्मीदियां तेरे पीछे पीछे रास्ते ये चल के बाहों के निशानों में ढल के ढूंढ लेंगे अपना आशियां अपना आशियां अपना आशियां दम हो से आंख मिला के रख दे जी जान लड़ा के टूटी शमशीरों से ही फतेह कर हर मैदान फतेह कर हर मैदान फतेह ओ बंदिया हर मैदान फतेह कर हर मैदान फतेह कर हर मैदान फतेह कर हर मैदान फतेह ओ बंदिया हर मैदान फतेह कर हर मैदान फतेह कर हर मैदान फतेह कर हर मैदान हेलो नमस्कार रेडियो उड़ान पर मेरा नाम है दिलखुश दीपक और शो आपके साथ चल रहा है रन कर रहा है दौड़ रहा है एंटरटेनमेंट हाउस और जब इंसान के शरीर में दो घूंट जाता है ना तो वो भी दौड़ने लगता है जी हाँ तो पेश किया है जरा गौर फरमाइए यदि एक बार उसे दारू का दीदार हो जाए यदि एक बार उसे दारू का दीदार हो जाए तो बंदा इस कदर दौड़े कि मोटर कार हो जाए इस तरह चुपचाप चल रहे थे हम अपनी मंजिल की तरफ वाह क्या रास्ता अपनाया था चुपचाप चल रहे थे हम अपनी मंजिल की तरफ फिर रास्ते में एक ठेका पड़ा और अब गुमराह हो गए लड़खड़ाए कदम तो गिरे उनकी बाहों में ये बड़े फायदे की चीज है कभी कभी नुकसान करने वाली चीजें फायदा भी दे जाती हैं। लड़खड़ाए कदम तो गिरे उनकी बाहों में आज हमारा पीना भी हमारे काम आ गया शर्मा के बलखा के नजरें झुका के क्या क्या करते रहते हो भैया मंगल भवन मंगल हरी लड़की को देख के किसने आंख मारी रेडियो उड़ान सुनते रहिए मेरे यानी दिलखुश दीपक के साथ अ फ्लाइट ऑफ लाइफ से सुनती आए दिल की दास्तां जो लफ्जों में नहीं हो बयां अब जैसा ही रास्ता टूटेगा ना वास्ता ना रहेगा फासला जो लफ्जों में नहीं हो बयां हम सफर हम राज तू जिस्म में और सांस तू रहना मेरे पास तू यूं सदा नैनों ने बांधी कैसी डोर
वादा किया था तो निभाएंगे तो है ही, इसीलिए फिर से लौट के आ गए हैं। गाने के बाद आप सुन रहे हैं रेडियो उड़ान और शो चल रहा है एंटरटेनमेंट हाउस, और आपसे वादा किया था कि चटपटी शायरी सुनाएंगे आपको जो आपका दिल खुश कर दे। तो सुनिए, कुछ अपनी चंद लाइनें बनाई हैं, आपको सुना देंगे, होंठों पे मुस्कान आ जाए तो क्या करिएगा, तालियां बजा दीजिएगा। एक फायदा और है, ताली बजाने के बहाने आप मच्छर मार सकते हैं और मच्छर मारने के बहाने आप ताली भी बजा सकते हैं, क्योंकि उनका भी आतंक थोड़ा सा बढ़ गया है। इसीलिए क्या करिए ना, थोड़ा सा दिवाली पे मिट्टी वाले दिए जलाइए। इससे क्या होगा ना कि सरसों का तेल डाल के जब वो दिया जलाते हैं ना तो आसपास का प्रदूषण जो है कम होता है, झालर वगैरह ये सब चोचले हैं। तो सुनिए शायरी, वाह वाह कीजिए। अरे अभी नहीं, पहले बोलो तो। तेरी दोस्ती ने हमें जीना सिखाया है, तेरी दोस्ती ने हमें जीना सिखाया है, आज दिवाली है इसीलिए नहाया है। अरे वाह क्या बात है, फिलहाल हम तो रोज नहाते हैं लेकिन ठंडी आ रही है ना। तो एक चीज और नोटिस की है मैंने कि जैसे जैसे ठंडी आ रही है ना वैसे वैसे गर्मी कम होती जा रही है, आपने ध्यान दिया है? अरे वाह दिया है, बड़े चालू आदमी है आप। आगे सुनिए, मुस्कान का कोई मोल नहीं होता। मुस्कान का कोई मोल नहीं होता, कुछ रिश्तों का कोई तोल नहीं होता। मुस्कान का कोई मोल नहीं होता, कुछ रिश्तों का कोई तोल नहीं होता। दोस्त तो मिल जाते हैं हर रास्ते पर, दोस्त तो मिल जाते हैं हर रास्ते पर, लेकिन हर कोई आपके जैसा लोल नहीं होता। अरे बाप रे क्या बात है, क्या हंसी आ रही है। आगे सुनिए, जो बड़े बड़े बम होते हैं ना, सुतली बम और दिवाली पे जो छुड़ाए जाते हैं, तो छोटे बम ने बड़े बम से कहा, दिवाली की बात चल रही है तो बम की बात हो तो अच्छी बात है। एक चीज और है, जैसे होली पर हम बोलते हैं ना कि बुरा ना मानो होली है रंग लगा करके, तो मेरा एक सवाल है, किसी के नीचे बम फोड़ के और ये बोले बुरा ना मानो दिवाली है, ऐसा कर सकते हैं क्या? बस ऐसे ही पूछ रहे थे। तो सुनिए, छोटे बम ने बड़े बम से कहा, दुनियादारी में हम थोड़े कच्चे हैं, दुनियादारी में हम थोड़े कच्चे हैं, पर फूटने के मामले में हम बच्चे हैं। कोई भी चीज मिठाइयां ना मिले ना तो बच्चे फूट फूट के रोने लगते हैं। और सुनिए, बस एक और सुनाएंगे, आखिरी वाला पक्का हाँ, और वो आप लोग फॉलो कर सकते हैं। वैसे एक बात और ध्यान दीजिएगा, पटाखों पर बैन है, फिर भी सुना देते हैं आपको। सजा बन जाती है गुजरे हुए वक्त की यादें, सजा बन जाती है गुजरे हुए वक्त की यादें, दिवाली पर दूसरे के घर में बम फोड़ कर भागे। यार जस्ट एंटरटेनिंग बोल दिया है यार, माइंड मत करना, और हाँ सच में ना ऐसा कर देना। अरे वाह दिल खुश हो गया। थोड़ी सी देर में लौट के आते हैं गाने के बाद, सुनते रहिए रेडियो उड़ान मेरे यानी दिल खुश दीपक के साथ, अ फ्लाइट ऑफ लाइफ। देखो वीर जवान चले, एक तिरंगे
रख कर हम अपना सीना दान चले ओ माँ जान हथेली पर रख कर हम अपना नमस्कार रेडियो उड़ान पर आप सुन रहे हैं शो एंटरटेनमेंट हाउस और मैं हूं दिल खुश दीपक। और दिल तो खुश रहता है लेकिन जब जाने का समय आता है ना तो दिल थोड़ा सा दुखी हो जाता है, इसीलिए तो क्या यही कि कुछ आपको सुना देते हैं चलते चलते। एक बार एक जूते बनाने वाली कंपनी अपने दो सेल्समैन को एक आईलैंड पर भेजती है और उनसे कहती है कि चेक करो वहां हमारे बिजनेस का कितना स्कोप है और वहां पर काम शुरू किया जा सकता है या नहीं। दोनों सेल्समैन का कंपनी में परफॉर्मेंस अच्छा था इसलिए दोनों का चयन किया गया। वो दोनों तय समय पर उस आइलैंड पर पहुंच भी गए, वहां की स्थिति का जायजा लिया। बहुत सारे लोग देखे वहां पर कि वो सब नंगे पांव चल रहे थे, ना किसी के पैरों में चप्पल थी ना जूते थे। ये सिचुएशन पूरे आइलैंड पर थी। अब दोनों सेल्समैन अपने अपने अनुसार स्थिति का जायजा करने लगे। जो पहला सेल्समैन था वो अपने बॉस को फोन करके कहता है कि बॉस यहाँ पर तो कोई जूते पहनता ही नहीं है, यहाँ पर तो कुछ हो ही नहीं सकता, बिजनेस का कोई स्कोप नहीं है यहाँ पर। और उस तरह वो चला आता है
और वहीं दूसरा सेल्समैन भी अपने बॉस को फोन करता है और कहता है कि यहाँ पर हमारे बिजनेस का बहुत बड़ा स्कोप है, क्योंकि यहाँ कोई भी जूते नहीं पहनता है, किसी को जूतों के बारे में पता तक नहीं है। आप अभी के अभी 1,000 जोड़ी जूते भिजवा दीजिए, और तो और हम इन जूतों के बारे में बताएंगे लोगों से और हमारा बिजनेस और एक्सपैंड कर सकता है। यहाँ तो इतना स्कोप है कि हम यहाँ जूतों की फैक्ट्री लगा सकते हैं। तो फ्रेंड्स, देखा आपने कि एक ही सिचुएशन को दोनों सेल्समैन के देखने का नजरिया बिल्कुल अलग था। पहले वाले सेल्समैन को जहाँ अवसर में कठिनाइयां नजर आईं, वहीं दूसरे को कठिनाइयों में भी अवसर दिखा। तो चॉइस आपकी है, आपको अपनी लाइफ के हर सिचुएशन में कठिनाई देखनी है या अवसर, ये आप पे डिपेंड करता है। जब आप समस्या ढूंढेंगे, समस्या पे फोकस करेंगे, तो आपको समस्या नजर आएगी, और जब आप सिचुएशन में किसी अवसर की तलाश करेंगे तो आपको अपनी सफलता नजर आएगी। इन्हीं सब बातों के साथ आपसे लेता हूं अलविदा। आहा, फिर मिलेंगे अगले हफ्ते, तब तक आप मुझसे बतियाएंगे कैसे? वेरी सिंपल, फेसबुक पे तो मुलाकात हो ही सकती है। टाइप कीजिए दिल खुश दीपक हिंदी में और आइए हमसे बतियाइए। रेडियो उड़ान सुनते रहिए, अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी इसी जगह पर, इसी चैनल पर, इसी समय पर। रेडियो उड़ान, अ फ्लाइट ऑफ लाइफ। तब तक के लिए नमस्कार।